सहारनपुर की थाना देहात कोतवाली पुलिस ने चोरी की घटना का 10 घंटे के अंदर सफल खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने 5 शातिर चोर तालीम, बरकत, साजिद, दानिश व इकराम को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में चोरी का माल भी बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्यवाही कर 5ों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। सहारनपुर में एमएलसी चुनाव नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी व समाजवादी पार्टी सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से मुजफ्फरनगर की जिला पंचायत सदस्य एवं प्रत्याशी वंदना वर्मा ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां पर उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला किसी भी पार्टी से नहीं है और वह एक तरफा जीत रही है। विकास का मुद्दा है हमारा, जो हमारी पार्टी का एक सबका साथ सबका विकास एकमात्र लक्ष्य है हम लोगों का, हम सब लोगों को साथ लेकर चलते, विकास और विकास और विकास। देखिए ऐसा है, अभी तो आज पर्चे भरे गए हैं और जब फाइनल निकल के आएंगे कि कौन कौन प्रत्याशी बचे हैं, उसके बाद मैं इस बात का जवाब दूंगी। जिसके बाद समाजवादी पार्टी व लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी मोहम्मद आरिफ जोला ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हुए कहा कि पार्टी ने जो उन पर विश्वास जताया है, वे उस पर जीत कर खरा उतरने का काम करेंगे। जो अब मैदान में उतरे हैं हम, जो हमारे पास में जो हमारे किसान हैं, हमारे जो प्रधान हैं, बीडीसी हैं, उनकी आवाज़ उठाएंगे और जो भी हमारे काम बाकी हैं, कुछ हमारी पुरानी सरकार में रह गए थे अखिलेश जी की में, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। नहीं, प्रतिद्वंदी तो हम समझते ही नहीं है किसी को भी, क्योंकि हम पहले भी वेस्ट में जो हमारे पश्चिम में हम जो 16 में से 9 सीट जीत के आए हुए हैं, तो हम प्रतिद्वंदी समझते ही नहीं है उनको। ठीक है, कुछ हमने आए हुए तो वो ठीक है, उनका भी स्वागत है, लेकिन हम प्रतिद्वंदी नहीं समझते, क्योंकि हमारे पास में हमारे विधायक जी हैं, इतने सारे हमारे लोग हैं पुराने, इनका आशीर्वाद साथ में है हमारा, तो हम प्रतिद्वंदी नहीं समझते और जीत हमारी निश्चित है। क्या प्राथमिकता है जो सबसे पहले शिक्षा है। इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुजफ्फरनगर के सुशील कुमार ने भी जिला मुख्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां पर उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है और वो इस बार जीत कर ही रहेंगे। और मुद्दे मेरे सबसे पहले ये हैं कि मैं पिछला चुनाव भी लड़ा था, उसमें ही मैंने भूमिका बना ली थी कि जो अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिनको बीडीसी कैसे संबोधित किया जाता है, यानी कि बीडी दो घूंट मारी और फेंक, अब की बार उनके अंदर नेतागिरी के गुण पैदा किए हैं मैंने, वो रंग दिखाएंगे, जैसे अब की बार इस चुनाव में दिखाया है कि वोटर बोला नहीं लेकिन समझाता रहा कि मैं उसे दे रहा, इस बार यही इनकी साथ होगा और मेरी प्राथमिकता होगी कि जितने भी मेरे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं या प्रधान, ये अपने घर से बाइज्जत नेता बन के वोट देने जाएंगे, इनको उठाने वाला कोई भी होगा उसका इलाज कराया जाएगा, प्रशासन से मिलकर कराया जाएगा, चुनाव आयोग से मिलकर कराया जाएगा। त्यागी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां पर होने की मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपते हुए अपनी मांगों के जल्द से जल्द निस्तारण की मांग की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमारी मांगे जल्दी पूरी नहीं की गई तो वो आगे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आज जो है जिले के जो गन्ना मिले हैं उन पर किसानों का लगभग 500 करोड़ रुपया अभी भुगतान बकाया है, उसी के संबंध में जिला अधिकारी से मिलने के लिए आए थे, जिससे संबंधित एक ज्ञापन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है। अभी जिले में केवल अगर हम आंकड़ों की बात करें तो त्रिवेणी जो ग्रुप है देवबंद चीनी मिल, उसे छोड़कर बाकी सभी चीनी मिलें गन्ना भुगतान में पिछड़ रही हैं। बजाज शुगर मिल तो केवल अभी तक नए सत्र का 7% भुगतान कर पाई है। गागालेडी जो चीनी मिल है केवल 20% भुगतान कर पाई है और लगभग 125 करोड़ रुपये का सीजन उन्होंने अब तक पीड़ लिया है गागालेडी मिल ने। चीनी भी लगातार वो बेच रहे हैं लेकिन जिला प्रशासन कहीं ना कहीं उन पर नकेल कसने में नाकामयाब है और अभी तक वो गन्ना भुगतान दिलाने में कामयाब नहीं हुई है। हम जिला प्रशासन से मांग भी करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि या तो जिले के बकाए जो मूल्य है उस पर ब्याज सहित गन्ना मूल्य भुगतान तत्काल दिलाया जाए, नहीं तो भारतीय किसान संघ बड़ा आंदोलन चलाने के लिए इस पर आगे की रणनीति बना हुआ है।